अपने ट्वीट को लेकर फंसे अखिलेश यादव, चीतों की आवाज पर किया था कमेंट। 17 सितंबर यानी शनिवार को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। पीएम मोदी ने सभी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, जिसके बाद पिंजरे में बंद चीते का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसकी आवाज सुनाई देती है। चीते की आवाज बहुत हद तक बिल्ली से मिलती जुलती है। जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीते की आवाज को लेकर चुटकी ली है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय शेरावत ने मजाक उड़ा दिया। शेरावत ने ट्वीट करके कहा, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, सारा पैसा बर्बाद। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि कोई अखिलेश भैया को बताओ, बिल्ली, चीता और शेर अलग अलग होते हैं। वही सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अखिलेश यादव को ज्ञान दिया है कि चीते दहाड़ते नहीं है। लेकिन चीतों की आवाज को लेकर सच्चाई क्या है? नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट के मुताबिक शेर, बाघ और तेंदुए की तरह चीते दहाड़ते नहीं है, बल्कि बिल्ली जैसे म्याऊं या गुरगुराहट वाली आवाज करते हैं। चीता महज 3 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगा सकता है, जो अधिकतर कारों से कहीं तेज है। हालांकि वो आधा मिनट से ज्यादा अपनी ये रफ्तार कायम नहीं रख सकता। नामीबिया स्थित गैर लाभकारी चीता कंजर्वेशन फंड ने कहा कि चीते के पैर के तलवे सख्त और अन्य मांसाहारी जंतुओं की तुलना में कम गोल होते हैं। उनके पैर के तलवे किसी टायर की तरह काम करते हैं, जो उन्हें तेज तीखे मोड़ों पर घर्षण प्रदान करते हैं। CCF के अनुसार चीते की लंबी मांसपेशीय पूंछ एक पतवार की तरह स्थिर रखने का काम करती है और उनके शरीर के वजन को संतुलित रखती है। शिकार की गतिविधि के अनुसार अपनी पूंछ घुमाते हुए उन्हें तेज गति से उनका पीछा करने के दौरान अचानक तीखे मोड़ लेने में मदद करती है।